everyone. My name is Rashmi Prabha, your instructor for Microsoft Excel. And in this video, we are going to talk about one of the next important topic of MS Excel, that is what if analysis. But before going to understand what is what if analysis, first आपको एक raw data, एक raw table create करना पड़ेगा. With an example, we will see how this what if analysis is work. तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि what is what if analysis option. तो basically, let us suppose कि आपका एक information है, आपके पास एक raw data है, एक आप company में काम कर रहे हो and you have certain so many types of product, ठीक है? Let us suppose हमारे पास एक book नाम का product है. इसकी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे मेंशन किया एंड प्राइस, दैट इज कि अगर आप अमेजन पे जाकर इस बुक को परचेस करोगे तो क्वांटिटी में इसकी प्राइस ये वैल्यू है. इट इज सपोज मैं इसको और सिंपलीफाई करती हूँ 1 एंड प्राइस आई हैव गिवन 500. नाउ इसकी टोटल कॉस्ट क्या निकल कर आएगी? अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई भी करोगे तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू सिंबल डालेंगे एंड वॉट एवर सेल यू वॉन्ट उसके आप मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे. लेट अस सपोज अगर मैंने यहाँ पे 2 किया देन इट विल अगेन रिफ्लेक्ट द चेंजेस. इट मीन्स कि हमारा मल्टीप्लीकेशन का जो फंक्शन होता है वो वर्क कर रहा है फाइन. अगर सपोज मैंने यहाँ पे 3 किया देन अगेन 1500, इट मीन्स इट्स वर्किंग फाइन. नाउ वॉट इज वॉट इफ एनालिसिस. लेट अस सपोज दिस इज द एक्चुअल रेट, जिस रेट पे हमने इस बुक को मैनुफैक्चर किया है या पब्लिश किया है. नाउ अगर मैंने यहाँ पे लेके सपोज कि मुझे क्या करना है इस कॉस्ट को, मतलब मुझे अपनी प्रॉफिट मार्जिन देख के मुझे इस कॉस्ट को करना है 5000, करेक्ट? मुझे ये एक्चुअल मेरा ये प्रॉफिट है. तो अब मुझे ये प्रॉफिट कैसे मिलेगा? इसके लिए मैं क्या क्वांटिटी में चेंज करूँगी या मैं प्राइस में चेंज करूँगी? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो आप इसी दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में चेंज करोगे. तो नाउ द व्हाट इफ एनालिसिस वर्क ओवर हियर, जिसमें हम क्या करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे एंड देन व्हाट इफ एनालिसिस को सेलेक्ट करेंगे. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गोल सीट, ठीक है? तो हमने यहाँ पे गोल सीट को सेलेक्ट किया. अब गोल सीट में सबसे पहला ऑप्शन होता है सेट सेल. इट मीन्स कि किस सेल में आपको उस वैल्यूज को सेट करना है. तो हमें किस में चेंज करना है, टोटल कॉस्ट में. तो हमने उस सेल को सेलेक्ट कर लिया. नाउ टू वैल्यू, इट मीन्स कि विच वैल्यू से आपको उस वैल्यूज को चेंज करना है. तो हमें क्या चाहिए, 1500 नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए 5000, ओके? एंड नाउ अगेन इट इज आस्किंग द थर्ड ऑप्शन बाय चेंजिंग सेल, मतलब किस सेल को आप चेंज करोगे कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू 5000 मिलेगा. तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, दैट इज आई कैन गो फॉर क्वान्टिटी और प्राइस. तो मैं एक एक करके आपको दोनों ऑप्शन शो करूंगी. पहले हम क्वांटिटी को लेंगे, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को सेलेक्ट किया, देन आई विल सिंपली प्रेस ओके. तो यहाँ पे इट्स शोइंग मी कि गोल सिटिंग विद सेल D7, दैट इज दिस सेल, टारगेट वैल्यू वाज 5000 एंड नाउ करंट वैल्यू इज 5000. मतलब हमने जब ओके प्रेस किया तो आप इजिली देख सकते हो कि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ. प्राइस इज सेम जो हमने प्रीवियसली लिया था 500. बट अगर आप क्वांटिटी को 2 की जगह 10 करोगे तो आपको ये 500 का प्रॉफिट मिलेगा. तो इट इज हाउ कि गोल सीट इस तरीके से वर्क करता है. बिकॉज दिस इज द स्मॉल डेटा तो आपको लगेगा दिस इज नॉट यूजफुल, बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जब आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वहाँ पे एमएस एक्सेल पे काम करते हो, तो आपको ये फीचर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो लेट अस सपोज मैंने इसको फिर से 2 क्वांटिटी किया एंड मैंने इसको 1000 ऑटोमेटिकली हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फंक्शन को यूज किया है. अब मैं आपको क्या शो करूंगी, व्हाट इफ एनालिसिस में हम जाएंगे गोल सीक पे जाएंगे, अगेन द सेल इज सेलेक्टेड और मुझे वो सेम वैल्यू चाहिए 5000. बट नाउ अब मैं क्वांटिटी में चेंज नहीं करूंगी, अब मैं प्राइस में चेंजेस करना चाहती हूँ कि मैं कितना प्राइस रखूंगी उस क्वांटिटी का सो दैट कि वो 5000 अमाउंट मुझे रिट्रीव हो. नाउ आई विल जस्ट सिंपली प्रेस ओके. तो यहाँ पे देखिए चेंजेस. हाँ, यू माइट बी सीइंग चेंजेस कि 500 की जगह अगर आप 2500 डालोगे एंड क्वांटिटी में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ, अगेन यू आर रिट्रीविंग द सेम अमाउंट. तो दिस इज हाउ कि आपका व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीट ऑप्शन इज परफॉर्मिंग. सो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो, जस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, लेट अस नो. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर ऑप्शन, दैट इज डेटा टेबल, इन द सेम टैब ऑप्शन डेटा एंड व्हाट इफ एनालिसिस. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी व्हाट इज द स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा टेबल. डेटा टेबल मीन्स व्हाट, कि अगर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, लेट अस सपोज अगर मेरे पास ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन था, देन हमने जो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फ्यूचर के एक्सपेक्टेड वैल्यू के बेसिस पे अगर वी कैन गो एंड चेंज द क्वांटिटी एंड प्राइस, सिमिलर चेंजेस को हम इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल कैसे कर सकते हैं, तो उसको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी. कि मैंने यहाँ पे डेटा टेबल लिखा
एंड डेटा टेबुलर वी कैन गो फॉर द चेंजेस टू वेज लाइक कॉलम वाइज हम चेंज कर सकते हैं या फिर रो वाइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया क्वांटिटी, अब क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे किस तरीके से इनपुट किया, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, ठीक है। दिस इज द कॉलम, हमने प्रीवियस वीडियो में ये ऑलरेडी देखा है कि इफ आई एम सेलेक्टेड दिस थिंग, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ कॉलम। अगर मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूंगी दिस इज अ रो, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉलम वाइज एग्जाम्पल को चेक कर रहे हैं। तो अब हमने क्वांटिटी यहाँ पे वन रखा, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये देखना है कि अगर क्वांटिटी 3 होगी, अगर क्वांटिटी 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, तो किस तरीके से टोटल कॉस्ट आपका चेंज होगा, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ डेटा टेबल, तो इसमें आपको किस तरीके से करना है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये बना कर रखा है 3, 4, 5, आप चाहो तो लेटर, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 7 एंड आई हैव रिटन ओवर हियर 8, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो आप इस तरीके से कितना भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। नाउ इसके बाद क्या करना है कि आपको नेक्स्ट सेल में सेलेक्ट करना है कि आपकी एग्जैक्टली वैल्यूज क्या थी, तो हमें इस टोटल कॉस्ट की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्वांटिटी। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल लिखना होगा इक्वल्स टू एंड यू हैव टू सेलेक्ट दिस सेल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंटर प्रेस किया तो इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस ऑप्शन, अभी यहाँ पे डिलीट नहीं होगा बिकॉज हमने इसको चेंज किया, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे रहने देती हूँ, मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगी इस टेबल में। तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इन सारे वैल्यूज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। आई हैव सेलेक्टेड, आपको ये जो हेडर है क्वांटिटी इज द हेडिंग, इस हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करना है, जहाँ से आपने वैल्यूज को पुट किया देयर यू हैव टू सेलेक्ट। तो हमने इस पूरे टेबल को सेलेक्ट किया, आई विल जस्ट गो इन डेटा टैब एंड आई विल सेलेक्ट हियर ओटीएफ एनालिसिस इन डेटा टेबल, ठीक है। तो डेटा टेबल में इट इज गोइंग टू आस्क यू टू ऑप्शंस, दैट इज रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। इट मींस कि व्हाटएवर वैल्यूज यू आर गोइंग टू प्रोवाइड इन अ इनपुट सेल, वो किस फॉर्मेट में है, वो रो में है या कॉलम में है। तो हमने अभी डिस्कस किया, आई हैव गिवन द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ कॉलम वाइज, तो कॉलम में क्या क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्वांटिटी को आई विल जस्ट सेलेक्ट ओवर है कि हाँ मैं कॉलम में जाऊंगी और मैं यहाँ से क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। मैंने यहाँ से क्वांटिटी को सेलेक्ट किया एंड देन आई विल जस्ट प्रेस ओके। तो जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, नाउ यू कैन इजिली सी कि यहाँ पे ये दो वैल्यूज नहीं थी। इट मीन्स कि अगर क्वांटिटी 1 है तो 500 होगा, तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। अगर क्वांटिटी आपकी 3 होगी एंड प्राइस इज द सेम 500, तो 500 × 3 = 1500, 500 × 4 दैट इज 2000। आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो, 5 × 5 दैट इज 2500। इट मीन्स कि यू डोंट नीड टू गो एंड आप यहाँ पे अलग अलग जाके मल्टीप्लीकेशन को नहीं लगाओगे, आप सिंपली क्या करोगे इन अ सिंगल कमांड, दैट इज आप अगर डेटा टेबल को सेलेक्ट करो तो यू कैन एग्जैक्टली गेट द टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई फंक्शन को भी यूज करने की जरूरत नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डेटा टेबल। नाउ अगेन लेट अस अंडरस्टैंड द डेटा टेबल विद द मल्टीपल कॉलम में आप किस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक डिजाइन करी है जिसमें वी आर गोइंग टू सी कि डेटा टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम एंड रो बोथ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसी क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे इन द फॉर्मेट ऑफ, ये क्या है, दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ रो, ठीक है। ये आपको रो के फॉर्मेट में गिवन है, तो आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर ओवर, ये रो के फॉर्मेट में है। एंड मैंने प्राइस को क्या किया, मैंने प्राइस को कॉलम के फॉर्मेट में ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना टेबल डिजाइन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कॉलम के फॉर्मेट में ले लिया। नाउ अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि अब अगर आपकी क्वांटिटी 1 है एंड अगर आपका प्राइस 500 है तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं इस सेल की बात करूँ तो अगर क्वांटिटी 2 है एंड द प्राइस इज 1000, दैट इज दिस होल इज नोन एज व्हाट, ये क्या है, आपका मैट्रिक्स फॉर्मेट में है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो इक्वल टू व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। तो हमने यहाँ पे D7 लिखा। उसके बाद आपको क्या करना, अगेन डेटा टेबल और एनी फंक्शन इफ यू आर अप्लाइंग इन द एक्सेल, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है यू हैव टू सेलेक्ट द सेल ऑन विच सेल यू आर गोइंग टू परफॉर्म अन एक्शन, ठीक है। तो हमने इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिया, देन वी विल गो इन द डेटा टैब एंड अगेन वी विल गो एंड सेलेक्ट ओटीएफ एनालिसिस एंड डेटा टेबल। और यहाँ पे अब रो इनपुट, तो रो में हमारा क्या है डियर फ्रेंड्स, क्वांटिटी। तो व्हाट यू हैव टू डू कि आपको यहाँ से क्वांटिटी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कॉलम में हमने क्या पुट किया, कॉलम में वी हैव पुट प्राइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और कॉलम में वी हैव टू सेलेक्ट
क्राइस्ट, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब जैसे ही हमने ओके प्रेस किया, नाउ यू कैन इजीली सी कि ऑल द रोज हैज बीन फिल्ड अप। अगर 500 को 1 से करेंगे, 500 500 को 2 से करेंगे, 1500 को 3 के करेंगे, विद इन अ सेकेंड यू हैव पुट ऑल द डिटेल्स। तो अब आप यहाँ से फ्यूचर को एनालिसिस कर सकते हो कि इफ योर प्राइस इज 1500 एंड इफ योर क्वान्टिटी इज 5, तो आपको इतने का प्रॉफिट होने वाला है। सो दिस इज हाउ डेटा टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन ओटीफ एनालिसिस। वी हैव एक्सप्लेन दिस विद टू एग्जाम्पल्स, जिसमें हमने कॉलम वाइज देखा एंड हमने कॉलम और रो दोनों को देखा। तो आपका ये टास्क रहेगा कि आप रो वाइज जरूर करके देखें, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट अस इन द कमेंट सेक्शन। In this video, we are going to talk about last option of OTIF analysis, that is scenario manager. So what is scenario manager? It creates different groups of values or scenario and switch between them. It means कि आप ऐसा सपोज करते चलो कि अगर मैंने यहाँ पे क्वांटिटी, लेट अस सपोज इफ आई हैव चेंज 4, ठीक है, तो जैसे मैंने 4 चेंज किया तो आप इजीली देख सकते हो कि हर एक वैल्यूज, ईच एंड एवरी वैल्यूज गॉट चेंज, दैट इज 4 × 500 इज 2000, ठीक है, और यहाँ पे भी उसे कॉरेस्पॉन्डिंग सारा चेंजेस हो गए। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, इफ आई हैव पुट 7, ठीक है, जैसे ही मैंने 7 पुट किया, आई एम जस्ट प्रेसिंग द माउस, तो यू कैन सी 7 × 5 3500। अगर मैंने पुराना वैल्यूज डाला तो 1000। तो दिस इज हाउ कि हमारे वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मान के चले कि टुडे, सपोज टुडे इज, आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो ऑन 12th of January, है ना, तो आज मेरे पास ये डेटा है, मैंने इसके करस्पॉन्डिंग अपने क्वांटिटी में, अपने प्राइस में वैल्यूज को देखकर फ्यूचर वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर दिया। नाउ आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर, इफ समवन वांट्स कि दे वांट टू डू चेंजेस इन द डेटा, तो व्हाट दे विल डू कि वो यहाँ पे जाके चेंजेस करेंगे, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम इफ यू वांट कि वांट टू सी द प्रीवियस वैल्यू, किस प्रीवियस वैल्यू पे हमने इंफॉर्मेशन को पहले कैलकुलेट किया था, देन हाउ यू आर गोइंग टू रिकवर दैट प्रीवियस वैल्यू, दिस इज हाउ यू हैव टू यूज नाउ सिनेरियो मैनेजर। दैट इज कि व्हाट इज द सिनेरियो एट दैट टाइम, that you have to reflect the scenario in the future also, ठीक है। तो अगर मैंने suppose यहाँ पे अगर मैंने quantity कर दिया 20, let us suppose मैंने यहाँ पे quantity कर दिया 20, okay, and 20 में अगर 500 करेंगे तो it is 10,000, ठीक है, ये यहाँ पे that is not 10,000, this is exactly the odd values। अगर suppose मैंने यहाँ पे 12 कर दिया तो let's see कि ये 6,000 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं इस वैल्यूज को सेव कर लूँगी, जैसे फर्स्ट क्वान्टिटी वॉज 1, ठीक है, 500 था, तो आई विल जस्ट डू कि मैं पहले इस वैल्यूज को सेव कर लूँगी। तो सेव कैसे करेंगे, हम इस दोनों कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, देन इन डेटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर, ठीक है, तो यू हैव टू ऐड, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इट विल आस्क कि आपका क्या सिनेरियो नेम था, तो दैट विल बी फर्स्ट कैलकुलेट, ठीक है, हमने इस तरीके से डाला, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दे हैव गिवन यू कि D4 D5 इज अ सेलेक्टेड कॉलम, ओके, एंड क्रिएटेड बाय यूजर, दिस इज द डेट, सो दैट यू विल रिमेंबर कि किस डेट में आपका क्या चेंजेस हुआ था, हमने ओके प्रेस कर दिया, ओके, ठीक है, आई हैव क्रिएटेड, ठीक है, हमारा हो गया, हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया। नाउ लेट अस सपोज आई हैव चेंज द वैल्यू एज 12, ठीक है, तो जैसे ही हमने 12 चेंज किया, दिस इज 6000, तो ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आफ्टर 6 मंथ समवन हैज चेंज द डेटा। नाउ अगेन मैं ये देखना चाहती हूँ कि व्हाट वाज माय प्रीवियस वैल्यू, जिसपे हमने ये सारा कैलकुलेशन को फाइंड आउट किया था, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट गो सेलेक्ट दिस इन द डेटा टाइप व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर, ठीक है। इस सिनेरियो मैनेजर में जाकर मैं क्या करूँगी, सिंपली इस फर्स्ट कॉल को क्या करूँगी, मैं ऐड कर दूंगी, ओके, कैंसिल, आई विल जस्ट नीड टू सी कि मुझे ये देखना है कि क्या है, तो आई विल जस्ट गो एंड सेलेक्ट दिस वैल्यू, दिस इज सेलेक्टेड शो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने शो किया और मैंने क्लोज किया, देन यू कैन सी द चेंजेस जो प्रीवियस वैल्यू से रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अगेन कि हमने सपोज यहाँ पे किया 3, ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज को चेंज कर दिया। अब मुझे प्रीवियस वैल्यू देखना, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर में इसको क्रिएट करके रखा था, दैट टाइम आई हैव टू जस्ट क्लिक शो, तो जैसे ही मैं शो क्लिक करूँगी, यू कैन सी द चेंजेस, दैट इज अगेन प्रीवियस वैल्यू हैज रिफ्लेक्टेड। सो दिस इज हाउ डेटा टाइप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड यू हैव टू डू, कि हमने जो भी क्लासेस लिया है, जो भी आपको वीडियोज बनाया, आप उसको बहुत ध्यान से समझिए, एंड यू नीड टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। तो व्हाट इफ एनालिसिस, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थ्री थिंग्स, दैट इज व्हाट इज सिनेरियो मैनेजर, what is goal seek and what is data table. So if you have any doubt in MS Excel, just write down in the comment section. So thanks for watching, dear students, thank you so much.